हरियाणा के वन्य एवं शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने आज पंचकुला में वन विभाग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में वन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए वन एवं शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि वह इस बार वन विभाग का टारगेट 1,25,00,000 पौधे लगाने का है। देखिए, अब की बार हमारा जो टारगेट था वो 1,25,00,000 पेड़ लगाने का हमारा टारगेट था, और दूसरा हमारा ये था कि हम जो पंचायत की जमीन है तो उसमें बाग लगाने का, अगर कोई पंचायत इस बात से सहमत है, हमारे साथ सहयोग करती है, तो उसमें बाग लगाना, और उसमें उस बाग को लगभग 5 साल तक हम उसको उसकी देखभाल करेंगे, सारा खर्चा हम करेंगे उसके ऊपर, और 5 साल के बाद फिर हम जमीन वापस पंचायत को ही हम दे देंगे, तो उससे पंचायत की आमदनी भी बढ़ेगी और ग्रीनरी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से कुछ योजनाएं जो हमारी थी वो उस पर हम काम कर रहे थे, तो आज उसकी समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई। तो वहीं हरियाणा में स्कूलों के बच्चों व टीचर्स के कोरोना पॉजिटिव आने पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि कुछ स्थानों पर कोरोना के मामले आए हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से स्कूल बंद थे और अभिभावक भी चाहते थे कि स्कूल खुले। देखिए, अब बहुत लंबे टाइम से स्कूल बंद थे और अब मैं समझता हूँ कि अभिभावक भी चाहते थे कि स्कूल खुलें, और अब यहाँ तक के बच्चे भी चाहते थे स्कूल खुलें, और केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की उसके तहत पूरे देश में स्कूल खोल लिए, हमने भी उसी के तहत स्कूल खोल दिए। अब कहीं कहीं कुछ घटनाएं तो घटी जाती हैं। देखिए, अब बहुत से ऐसे VIP लोग हैं जहां मिलने के लिए भी काफ़ी दूरी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई VIP लोगों को भी इस प्रकार तो घटनाएँ घट जाती हैं, लेकिन हम उसकी तरफ पूरा हमारा ध्यान है। और जैसे ही कल मुझे उसकी जानकारी मिली, स्कूल में हमने 2 सप्ताह के लिए स्कूल को बंद भी कर दिया, और आगे हमने और चौकस सी जो है उसके लिए बढ़ा दी। जो नियम है, चाहे वो मास्क लगाने की बात है, चाहे सैनिटाइजर उपयोग की बात है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, हालांकि हम उसका बड़ी सख्ताई के साथ पालन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में और सख्ताई के साथ उसका होता है, इस प्रकार का खतरा ना हो।